a person traveling on a straight line moves with a uniform velocity v1 for time t. Suppose कोई time है t time तक से तक वो v1 velocity से जा रहा, उसके बाद वो v2 velocity से जा रहा for equal time. Displacement निकालना है, average velocity निकालनी है. Average velocity की definition क्या होती है? Displacement over time interval and final position minus initial position upon time interval. इसके बराबर होती है. तो इसका initial displacement तो कितना होगा? ये होगा s a, वो किसका होगा? v1 into t. दूसरे ये s b, इसमें ये वाला displacement किसका? v2 into t. net displacement कितना होगा? v1 t plus v2 t, इसके बराबर होगा. टोटल टाइम कितना लगा? तो डेल्टा t है वो किसके होगा? t1 plus t2. एवरेज वेलोसिटी निकालनी है वो किसके होगा? डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इंटरवल, इसके बराबर होगा. इसका मैग्नीट्यूड निकालना है वो किसके होगा? s v1 t plus v2 t. ये दोनों टाइम सेम है तो 2t अपॉन 2t, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, वी वन प्लस वी टू अपॉन टू. एवरेज वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होगी? वी वन प्लस वी टू अपॉन टू के बराबर होगी. यदि टाइम टाइम जो है वो सेम है, वी वन जो स्पीड, वी वन जो वेलोसिटी जो टी टी टाइम तक थी, वी टू की वेलोसिटी जो है टी टाइम तक थी, तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या हुआ? वी वन प्लस वी टू अपॉन टू. आपको बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इंटरवल होती है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है.